आज भूनेंगे हम टमाटरों को घर पे नमक में, और इतने बढ़िया तरीके से इन टमाटरों को नमक में भुना जाएगा और इन भुने हुए टमाटरों की रेसिपी तैयार की जाएगी जो आपको आज इनका दीवाना बना देगी। तो चलिए बिना देरी करे बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट भुने हुए टमाटर की एकदम नई रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 4 से 5 एकदम फ्रेश लाल टमाटरों की ज़रूरत पड़ेगी, और इन टमाटरों को भूनने के लिए हमें कुछ नमक ले लेना है कढ़ाई में, और नमक को हमें अच्छे से सेकना है, गरम करना है। ये नमक आप बार बार इस्तेमाल में ले सकते हैं भुनने के लिए। तो चलिए हम फटाफट से इसको गर्म होने का इंतज़ार कर लेंगे, इसको सेक लेंगे अच्छी तरीके से, और सिकने के बाद इसमें फटाफट से हम टमाटर डाल देंगे। ये गर्म होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लेता है, और अगर इसमें टमाटर हम बिना सीके यानी कि बिना इस नमक को गर्म हुए डाल देते हैं तो वो मज़ापन नहीं आ पाता, वो टमाटर में भुना हुआ एक स्पेशल खुशबू नहीं आ पाती। इसलिए अच्छे से जैसे ही आपका नमक गर्म हो जाए फटाफट क्या कीजिए, इन टमाटरों को डालने के बाद इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची 1 से 2 अपनी मर्जी के अनुसार डाल दीजिए, और अच्छे से ऐसे घुमा लीजिए जब तक कि इस टमाटर की जो चमड़ी है वो अच्छे से निकल नहीं आती, यानी कि एकदम फटने नहीं लगती, मुलायम नहीं हो जाती। तो इसको टमाटर को अच्छे से भूनने में लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे अगर आपका नमक अच्छे से गर्म होगा। और वहीं अगर हम बात करें मिर्ची की, तो मिर्ची थोड़ी सी पहले भुनी जाती है। तो फटाफट इसको घुमाते रहिए, वेट मत कीजिएगा, नहीं तो एक तरफ से जल जाएगा और दूसरी तरफ से नहीं पक पाएगा। तो चलिए ऐसे अच्छे से घुमाते रहिए, और ऐसे मुझे दिख रहा है कि इसकी चमड़ी धीरे धीरे निकलने लगी है। फटाफट से जैसे ही चमड़ी लूज़ होना शुरू हो जाए आप क्या कीजिए, बस घुमाना और तेज़ शुरू कर दीजिए। वहीं मुझे लगता है जो मेरी मिर्ची है वो थोड़ी सी जल्दी भुन जाएगी, क्योंकि उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, देख सकते हैं मिर्ची हमारी भुन भी गई है। तो क्या करेंगे, मिर्चियों को दोस्तों हम थोड़ा सा पहले निकाल लेंगे फटाफट से, और वहीं पे टमाटरों को देख लेते हैं, जो जो हो जाएगा वो पहले निकाल लेंगे और जो नहीं हुआ होगा उसका वेट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब एक मिर्ची निकाल लेते हैं, ये आ गई हमारी एक मिर्ची, और दूसरी मिर्ची भी इसके बाद निकाल लेंगे। और उसके बाद टमाटर को लगभग मुझे लगता है 1-2 मिनट और भूनना पड़ेगा, इनकी जो खाल है वो अभी नहीं निकलने लगी है। दोस्तों टमाटर की स्किन निकलने के बाद एकदम मुलायम और नरम हो जाएगा, और जो इसका नमक में पकने की वजह से जो इसमें नमकीन एक खुशबू आ जाती है इस रेसिपी में, वो आपको कहीं ना कहीं दीवाना बना देगी। तो चलिए मुझे लगता है कुछ टमाटर हमारे अच्छे से हो चुके हैं, इनकी खाल उतर चुकी है, तो निकाल लेते हैं। अभी मुझे लगता है ये 4 भी नहीं 3 की हुई है, ठीक, तो 3 निकाल लेते हैं, और आधे मिनट बाद बाकी 2 और निकाल लेते हैं फटाफट। तो चलिए दोस्तों ये जो हमारे टमाटर भुने हुए थे ये फटाफट से अच्छे से तैयार हो गए हैं, तो सारे के सारे हमने निकाल लिए हैं। हल्का सा इन्हें ठंडा होने देते हैं, और उसके बाद फटाफट से इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे छील के, ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं। तो सारे के सारों की खाल निकाल लीजिए, हल्का सा धो लीजिए, और उसके बाद इनको फटाफट से एक बर्तन में निकाल लीजिए जहां हम इनको अच्छे से पीसेंगे थोड़ा सा, और पीसना मिक्सी में नहीं है, एकदम सिलबट्टे की तरह है, हाथों से ही आपको इसको थोड़ा पीसना होगा ताकि ये दरदरा पीस के तैयार हो। अभी दिखाते हैं आपको, सारे के सारे टमाटर निकाल लीजिए पहले झटपट, फटाफट से दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों हमने सारे के सारे टमाटर निकाल लिए हैं। अब ऐसे ही हरी मिर्ची को भी छील लीजिए, इसका भी छिलके की हमें ज़रूरत नहीं है, अच्छे से भून चुकी थी। तो हमने दोनों की दोनों हरी मिर्ची को ऐसे अच्छे से निकाल लेना है। तो एक एक करके हमने दोनों हरी मिर्ची निकाल ली हैं। अब दोस्तों हम इसको जैसे पाव भाजी का जो पीसने वाला होता है कुछ उसी तरीके की चीज़ से, या फिर करछी हो आपके पास कुछ भी हो, उससे अच्छे से दरदरा इसका एकदम पेस्ट बना लीजिए। मिक्सी में मत करिएगा, मिक्सी में वो मज़ा नहीं आता जो इस दरदरेपन में मज़ा आता है, क्योंकि आज जो हम चीज़ बना रहे हैं टमाटर की, ये भुने हुए टमाटर की, ये दरदरे टमाटर में बहुत ही बढ़िया मज़ा देता है। तो देखिए पीसते पीसते कितना बढ़िया हो चुका है। अब क्या करते हैं, फटाफट से इसी बर्तन को गैस की ओर ले जाएंगे, पहले इसको थोड़ा सा और रगड़ लेते हैं, और उसके बाद गैस को ऑन करके इस बर्तन को उस पर ले जाके इसे थोड़ा सा पकाएंगे, लगभग 15 से 20 मिनट नॉर्मल आंच पे, और अगर टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती तो 20 से 25 मिनट भी, लेकिन हमें पानी एकदम ख़त्म कर देना है इसका अच्छे से। तो देखिए पकाते पकाते बढ़िया पानी इसका सूखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी गैस हमारा मीडियम आंच पे चालू है। कब तक आपको पकाना है आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जब तक ये चिपकना ना शुरू हो जाए।
दिखाते हैं अभी आपको, पहले नमक डाल देते हैं क्योंकि नमक में ये अच्छे से पक जाएगा। तो ये जो भुने हुए टमाटर हैं नमक में जब अच्छे से पक जाएंगे तो इसका मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये भुने हुए टमाटर की एक बढ़िया रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। अब क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा ढक लेते हैं 2 से 3 मिनट ले। ढकने के बाद इसका रंग भी गाढ़ा और चेंज हो जाएगा और इसमें बढ़िया लाली आ जाएगी क्योंकि अच्छे से पक जाएगा। लगभग 10 मिनट हमने इसे नॉर्मल आँच पे पकाया है और ये बढ़िया पक के तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, फटाफट से इस गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि अब बस चिपकना शुरू हो रहा है। 1-2 मिनट और इंतज़ार करेंगे इसका अच्छे से पकने का और उसके बाद गैस बंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना पक के, क्वांटिटी भी कम हो गई है इस टमाटर की और अब अच्छे से इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है कि जैसे अच्छे से पक चुका हो। और देखिए आपके सामने चिपकना शुरू हो चुका है, इसका मतलब बस गैस कर देते हैं बंद और इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो गैस कर दिया है बंद, अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल चुका हूँ। अब क्या कीजिए, उसी बर्तन को मैंने धो के वापस से उसमें थोड़ा सा तेल लिया है, थोड़ी सी राई डाली है, राई के साथ साथ इसमें थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे जितना आपको स्वाद अनुसार पसंद हो। और उसके बाद नमक तो ऑलरेडी हमने डाल ही दिया था टमाटर में, इसमें डालेंगे इसलिए थोड़ी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची हमारी कस्तूरी देगी, लाल मिर्च है कलर वाली जो अच्छा रंग देती है लाल। और अब इसको पकते ही थोड़ा सा एकदम झटपट ही इसमें हम डाल देंगे वो हमारा टमाटर जो हमने पकाया था। अब इसे अच्छे से लगभग 5-7 मिनट पकने दीजिए जब तक ये खुद ही तेल ना छोड़ दे और ये बढ़िया टमाटर की चटनी बन के ना तैयार हो जाए। ये जो भुने हुए टमाटर की चटनी है, एक बार खा लेना इस बताई हुई प्रक्रिया से, मज़ा ना आ जाए तो बोलिएगा, ऐसी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। मैं अक्सर रोटी के साथ इसे खाता हूँ, सब्जी के साथ, और दीवाना हो चुका हूँ। ये चटनी तो मुझे रोटी के साथ ज़्यादातर चाहिए ही चाहिए। कैसी लग रही है ये आपको टमाटर के भुने हुए की चटनी, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसे झटपट निकाल लेता हूँ एक बर्तन में, बहुत ही स्वादिष्ट है। रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, कभी भी खाइए, आपको अपनी तरफ खींच लेगी। कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं चलता हूँ, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों, और टमाटर की चटनी खाते रहिए।